रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल एग्नोस। कोरल एग्नोस को आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक बार दुरुशी पढ़ लेना। दुरुशी कौन सा? दुरुशी बिल्कुल सिंपल है, जो कि अल्लामा सलीला मोहम्मद वाली मोहम्मद, अल्लामा सलीला मोहम्मद वाली मोहम्मद। दुनिया और आखिरत की कामयाबी है ना, वो अल्लाह पाक ने रखी है दुरुशरीफ में। और दुरुशरीफ आपने कभी नहीं छोड़ना ज़िंदगी में, ये दुरुशरीफ आपने कभी नहीं छोड़ना। अल्लाह सलीला मोहम्मद वाली मोहम्मद, अल्लाह सलीला मोहम्मद वाली मोहम्मद। क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी है ना इसी में। आप कम अज़ कम दिन में 1000 बार करें, 1000 बार नहीं कर सकते, फिर कम अज़ कम आए आप एक हफ्ते में 1000 बार करें। अल्लाह पाक जो है ना आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब करेगा, आपकी आखिरत में आपको करें कामयाब करेगा। और सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना वो है ही आखिरत की कामयाबी। आखिरत की कामयाबी जिसने कामयाब हो गया ना असल में वही कामयाब है। तो उसके लिए क्या करें आप? सिंपल दुरूद शरीफ पढ़ें। कौन सा? सिंपल सा, अल्लाहुम्मा सल्लिला मोहम्मद वाली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लिला मोहम्मद वाली मोहम्मद। ये दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी में इस तरह कैच कर लें, इस तरह कैच कर लें जिस तरह हम रोटी नहीं छोड़ सकते। जिस तरह आप रोटी हम नहीं छोड़ सकते ना, इसी तरह आप दुरूद शरीफ का इस तरह टाइमिंग बना लें। कम अज़ कम एक दिन में एक टाइम आप पढ़ें, आप खुद देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक आपके लिए इतनी आसानियाँ फरमा देगा, सुभान अल्लाह क्या कहना है। और आपकी आखिरत भी इतनी कामयाब कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको करके देखना है। आपको ना अल्लाह पाक इस चीज़ से नवाजे तो फिर आप मुझे कहना, मैं भी यहाँ हूँ आप भी इधर ही। आप 6 महीने करके देखें, एक महीने के अव्वल तो एक महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता। जो बंदा 6 मंथ कर लेता है ना, दिल की परेशानी उसको कभी होती नहीं, दिल में हमेशा वो रिलैक्स रहता है। सबसे बड़ी आपको पता है कामयाबी क्या है? दिल का सुकून। जिसके पास दिल का सुकून नहीं है, सब कुछ बाकी है, मैं समझता हूँ उसके पास कुछ भी नहीं है। और जिसके पास दिल का सुकून है और बाकी उसके पास कुछ नहीं है, यानी नॉर्मल है, वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है और आखिरत में भी वो कामयाब है। ये मैं नहीं कह रहा, आप कुरान मजीद पढ़ के देख रहे हैं, आप सूरत अल मोमिनीन पढ़ के देख रहे हैं, आप सूरत बकरा पढ़ के देख रहे हैं। मुझ पर यकीन नहीं आ रहा आपको, सही हो गया। तो ये चीज़ें आप अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो फरमाया हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए, सही हो गया। सुन्नत के मुताबिक हमें चलना चाहिए, एज अ मुस्लिम कभी परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये वीडियो है, क्या नाम है, एक लोगो है। आज वैसे ईद मुबारक है आप सबको, मेरी तरफ बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। तो अल्लाह पाक जो है ना हम सब की जो जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं उन सब की कुर्बानियाँ जो है ना कबूल अता फरमाए, और हमारी ईद भी दुगनिया दुगनी खुशी दे, और हमें दूसरी पढ़ने की भी तौफीक दे, और 5 टाइम का नमाजी बनाए, और कुरान भी जब पढ़ा करें और दो तर्जमे के साथ पढ़ा करें। आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब कर देगा इस दुनिया में भी आखिरत में भी। तो हमारे पास ये एक लोगो है, मैं इसी के अंदर आपको ईद मुबारक लिख कर दूँगा। ये वाला मैं ख़त्म कर दूँगा, पी का बटन अपने दबाना, इसको करना मिडल, सही हो गया जी। आल्ट लेफ्ट राइट अप डाउन अप करें तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, याद रखें आल्ट लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक हो गया जी। और यहाँ से आपने पकड़ना ये कॉर्नर से शिफ्ट के साथ, इसको बड़ा करना शिफ्ट के साथ, आप याद रखें बड़ा करेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने मेन चीज़ करनी है कि ये जो डिज़ाइन बना हो ना पहले का, इसको हमने अलग करना है और नीचे का बैकग्राउंड अलग करना है, क्योंकि हमको तो ये डिज़ाइन चाहिए ना, ये अंदर अंदर का, और ये अंदर का हम फिनिश कर देंगे। इसके अंदर मैं वही लिखूँगा ईद मुबारक, सही हो गया। तो ये हमने कैसे करना है, कोशिश करते हैं हम बिट मैप के ज़रिए। और लेकिन आपको मैं दूसरी बात और बता दूँ, आपको कुछ भी आता है सोशल पे काम करना आता है, और कुछ भी अगर आपको आता है आपको, यानी कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो, तो उसको आप सोशल पे इन्वेस्ट करें। आप फेसबुक पे इन्वेस्ट करें, इंटरनेट पे इन्वेस्ट करें आप, तो उसका आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपका चलते फिरते उठते बैठते, आप चाहते हैं ना आपका रिस्क चलता रहे बढ़ता रहे, तो आपका रिस्क बढ़ता रहेगा चलता रहेगा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करता रहेगा, सही होगा जी। तो जो कुछ भी आपका तब जाए, आप इसके के दूसरों की वीडियो देखें, आप अपना शुरू करें, अपना कदम उठाएं अल्लाह का नाम लेकर। देखो अल्लाह पाक ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है,
गुलाम नहीं। तो आपका काम है आज़ादी हासिल करना, आज़ादी कर लेकर दिखाना। उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सही हो गया। छोटी आज़ादी होगी, छोटी जद्दोजहद होगी, जितनी बड़ी आज़ादी होगी उतनी बड़ी जद्दोजहद होगी। जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी बड़ी जद्दोजहद कुर्बानी देनी पड़ी, इसी तरह अगली चीज़ के हिसाब से कुर्बानी देनी पड़ती है। हर चीज़ की कीमत होती है, वो अदा करनी पड़ती है। उसके लिए रेडी हो के फिर अपने आप मकसद में लग जाएं, अल्लाह को याद करके कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल है वेंटेज का लोगो। इसको हमने, इसका सबसे पहले हमने बनाना है, हटाना है बैकग्राउंड। वो किस तरह हटाएँगे? ट्रैक बिट में हम आएँगे। यहाँ पर हम इसको ट्रैक आउटलाइन से हम, यानी कि इसको हम करते हैं हाई क्वालिटी इमेज में, यानी कि इस तरह से बिट में ये हमने कुछ किया। अब हम देखेंगे कि हमने इसका बैकग्राउंड जो है ना वो अलग करना है और बाकी सिस्टम अलग करना है। जहाँ से हम इसको करेंगे ओके, ओके करने के बाद ये चीज़ डबल हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बिट मैप किया है। यहाँ से आने के बाद जो मैंने आपको पहले करके दिखाया है, आप रिपीट करना चाहें तो रिपीट करके देख भी सकते हैं। अब हमारे पास जब आप बिट मैप करेंगे आपका डबल कापी होगी इस तरह से, इस तरह से। अब आपने चेक करना है जो कापी आपके पास अनग्रुप हो रही है ना, ये देखें ये अनग्रुप हो रही है, ये आपने रहने देनी है। ये पहले वाली है, ये अनग्रुप नहीं हो रही, ये पिक्चर ही है, इसको आपने डिलीट कर देना। सी ठीक हो गई। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पी का बटन दबाएंगे, मिडल याद रखें। कोरल ड्रा में पेज का सेंटर करने के लिए हमेशा आपने पी का बटन दबाना है, तो आपका मिडल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना, माउस का दबाना आपने राइट बटन, और यहाँ से आपने अनग्रुप करना यू। ये देखें अनग्रुप, कंट्रोल प्लस यू से शॉर्टकट की। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से आए सेलेक्ट है आपका, ऊपर आए आप अनग्रुप ऑब्जेक्ट कंट्रोल यू, यहाँ से आप सेलेक्ट करें आपको वहाँ से भी हो गया। ठीक हो गया जी। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लें, कुछ भी चीज़ करते हुए आप साथ लिखा भी करें, देखा भी करें, इंशाल्लाह आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अब इसके साथ हमने इसको, यानी कि हमारे अलग अलग पार्ट हो चुका है, हमने इसको किया था अनग्रुप, तो इसको आपने करना डिलीट। सेलेक्ट किया आपने, डिलीट करना इसको, इसको भी इसी तरह आपने सेलेक्शन करनी, डिलीट। ठीक है जी। इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देना, ये चीज़ भी आपने इस तरह सेलेक्ट करनी और डिलीट। ठीक है जी। इस तरह आपने सेलेक्ट करते जाना है और आपने डिलीट करते जाना है इस तरह से। ये चीज़, ये जो पार्ट आप रखना चाहेंगे वो आपके पास रह जाएगा, जो आपने नहीं रखना वो आप डिलीट कर दें इस तरह से। ठीक है जी। ये चीज़, तो जो चीज़ मैंने रखनी थी वो हमारे पास रहेगी, जो नहीं रखनी वो हमारे पास नहीं रहेगी। ये इस तरह से सेलेक्ट करें, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करें, डिलीट करते हैं। ये देखें हमारे पास जो बैकग्राउंड था वो मैंने कर दिया डिलीट, हमारे पास अब बाकी बस ये रह गया। ठीक हो गया जी। इसको मैं थोड़ा सा करूँगा बड़ा, और इसको यहाँ से करूँगा इधर। अब मेन चीज़ इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका अंदर का हिस्सा भी मैं डिलीट करूँ, तो उसको भी मैं चेक करता हूँ डिलीट करके होता है या नहीं। सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डिलीट होगा। सही हो गया जी। तो बाद में इसको आप कलर दे सकते हैं, सेलेक्ट करें हमारे ऊपर, तो ये इस तरह सेलेक्ट होगा डिलीट होने के बाद। तो इसको, इसका हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कलर सेम सेम कर देते हैं, जो जो वो कलर है ना वही हम इधर कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा पूरा पार्ट हो रहा है, ये पूरा पार्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं एक बार। ये वाले सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से आप करें वेल्ड, वेल्ड किया। अब देखेंगे कि आपका पूरा पार्ट इस तरह से आप बाहर आ गया। ठीक हो जी। बाहर करेंगे तो अंदर का वो नज़र आएगा। हमको क्या करना है, सेम सेम कलर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रखते हैं साइड पे, यहाँ यहाँ पे हमने रखा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने रेक्टेंगल टूल और इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना है ये कुछ, ये चीज़। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर दिया हमको देना वो सेम सेम कलर, जो सेम सेम कलर वो किस तरह से पिक टूल लेना है आपने, और यहाँ से आपने आना आई ड्रॉपर टूल उठाना है, और यहाँ से ये आपने कलर उठाना। आई ड्रॉपर टूल का काम है कलर उठाना। आप गूगल से, किसी पिक्चर से, किधर से भी कलर उठाना चाहते हैं, आई ड्रॉपर टूल लें, कहीं से भी कलर उठा के आप कहीं पर दे सकते हैं। अभी मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया, यहाँ से मैंने कलर पिक किया आपके सामने, और यहाँ से मैं कलर ऐड कर लूँगा। सेलेक्ट करूँगा मैं, सेलेक्ट करूँगा दोबारा, दोबारा मैं आऊँगा यहाँ पे, दोबारा मैं वही ये आई ड्रॉपर लिया टूल, और ये मैंने कलर ऐड कर दिया। उसमें क्या किया, उसमें कुछ काम नहीं किया बड़ा, तो उसके अंदर मैंने कलर ऐड किया। आपने यहाँ से लेना पिक टूल, इसको सेलेक्ट करना आपने, और
और यहाँ से आपने होटल ने इसकी नाटक कर दी ये चीज़। तो ये देखें आप, आपका बैकग्राउंड साफ़ हो गया पहले जैसे। तो ये चीज़ अभी आपने इसको सिलेक्ट करना सिंपली, और इसको आप डिलीट कर दें क्लास, और इसको आपने सिलेक्ट करना। इसको आपने सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाना है आपने, जिसका मतलब है ग्रुप, सेपरेट नहीं है ग्रुप। सही हो गया, ये हमारा ग्रुप है। अगर आप कंट्रोल यू करेंगे सेपरेट हो जाएगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये अब हमारा ये हो गया रेडी। अब इसके अंदर हम इस काबिल हो गया कि हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ईद मुबारक लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें अंदर कुछ ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आएंगे टूल, टेक्स्ट टूल में F8 इसका शॉर्टकट की है, और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ से हम लिख देते हैं कैप्स लॉक का हमने R रखना है, ईद मुबारक EIDMUBARK। सही हो जी, स्पेलिंग कुछ थोड़े थोड़े आगे पीछे हो जाए उसके लिए मैं माजरिश को हूँ, उसके लिए आपने माइंड नहीं करना। सिलेक्ट टिक टूल, और इसको हमने बड़ा करना है यहाँ से, ये चीज़ बड़ा किया। बड़ा करने के बाद हमने इसके अंदर हम इसको बिठाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा हम इसको और छोटा करेंगे चिपरीता इस तरह से, और इसको आपने इसका मिडल कर लेना इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से आपने खींचना इसके साथ ये चीज़, और यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर लेना इस तरह से, ठीक हो गई। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा बोल्ड, यहाँ से आपने खींचना इसको थोड़ा सा आपने छोटा कर लेना ये। तो ये क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। बैकग्राउंड बिटमैप किया, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, कटिंग मटिंग किया, और उसी के अंदर हमने ईद मुबारक दे दिया। तो ये एक अच्छा सा सिंपल सा आपके सामने क्या क्रिएट हो गया डिज़ाइन। तो इसका यही एक तरीका है डिज़ाइन बनाने का, क्रिएट करने का। बाकी वो आप डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। सही हो, इसमें हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी हम चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम रेड कलर देना, आप रेड दे दें। आपने यहाँ से येलो कलर देना, येलो देना। कोई कलर भी आप ऐड करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं इस तरह से, ठीक हो। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करूँगा शिफ्ट था यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कुछ करूँगा, और यहाँ से फिर हम इसको करूँगा बड़ा ये जी इस तरह से, ठीक हो जी। तो ये ईद मुबारक, अब ये जो हमने लग किया था ना, इसके अंदर भी आप कलर दे सकते हैं। आप यहाँ से आएँ, अनग्रुप करें इसको। अनग्रुप करने के बाद आपने ये वाला हिस्सा यहाँ से सिलेक्ट करना, ठीक हो भाई। ये हिस्सा सिलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप करें वेल्ड, ये वेल्ड करें। और यहाँ से आप कलर भी चेंज करें सिंपली, यहाँ से आप इस तरह कलर करें। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आल्ट लेफ्ट राइट अप डाउन से आप पूरे पेज को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इतना मैंने सेलेक्ट किया इसको, और इसको आपने यहाँ से वेल्ड कर लेना, वेल्ड किया, और इस तरह यहाँ से इसमें इसका फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर से ब्लू दे दें। सेम सेम देना है तो सेम सेम दे दें। ये चीज़ आई समझ, आई समझ में आप पहले वाली भी चलेगी इस तरीके से, ठीक हो जी। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखें, और जो कुछ भी आपको आता है उसको इन्वेस्ट करें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आपके यानी कि अंदर से कुछ ना कुछ अच्छा निकलना चाहिए, जो कि आगे वाले जाने से किसी न किसी को फ़ायदा हो। चाहे वो कुरान मजीद हो, चाहे वो अल्लाह का कोई पैगाम हो, चाहे वो कोई हुनर स्किल हो, कोई भी स्किल हो, कुछ अच्छा ऐसा होना चाहिए जिससे दुनिया को फ़ायदा हो, ताकि आप दुनिया से जाने के बाद भी आपकी तैयारी हो। आपका जो है ना, फरिश्तों का जो लिखने का काम है नेकियाँ, वो फिनिश ना हो, वो चलता रहे। अब मेन चीज़ ये हमारी होगी यहाँ से, ठीक हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीचे वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, उसको भी आप चेंज करना। नीचे वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से आप लें इसको इस तरह से ब्लैक कलर दे सकते हैं इस तरह से, ये चीज़। तो हम सेलेक्ट करें इसको शिफ्ट के साथ, इसको अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट इसके साथ, शिफ्ट के साथ इसको भी, फिर शिफ्ट के साथ इसको भी, कंट्रोल जी। तो इसको ये देखें, वो नीचे था ना, उसका हमने गलती की है, उसके साथ मर्ज नहीं किया। सेलेक्ट करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ये सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले को, शिफ्ट था इसको करेंगे, उनको करेंगे वेल्ड। अब ये हमारा ना वो नीचे वाला वेल्ड हो गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब आपने इसको सेलेक्ट करना, आप देखें हम ये देख इस तरह से कुछ
तरह से करने के बाद वो नीचे आपका वाइट कलर जो है ना वो नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, वो भी आप चाहें तो फिनिश कर सकते हैं, अगर ना चाहें रहने दें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अंडू करेंगे कंट्रोल सेट अंडू, ठीक हो जी। इस तरह से आप नीचे वाले को सिलेक्ट करें, शिफ्ट से इधर भी सिलेक्ट करें क्योंकि ये आता है, इसको आप वेल्ड कर लें। इस तरह से आप वेल्ड करेंगे आपका एक ही सिलेक्ट पेपर हो जाएगा। अभी आप सिलेक्ट करेंगे, देखें आप ब्लैक कलर देने ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको भी आपने सिलेक्ट करना है और इसमें भी आपने ब्लैक कलर दे देना है। इस तरह से अगर नहीं वेल्ड हो रहा तो अलग अलग करके आपने इस तरह से ब्लैक कलर देना है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी आप दे दें ब्लैक कलर। तो ये देखें ठीक हो गया सिंपल, और इसको भी आप सिलेक्ट करें ये वाला ऊपर का हिस्सा, इसको भी और इसमें भी दे दें आप ब्लैक कलर, इस तरह से ठीक हो जी। तो मैं इसको जेड दबाऊंगा और इसमें थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दबा सकता हूँ ये चीज़, ठीक हो जी कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बन गया ना अच्छा सा डिज़ाइन। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो विंडो बेल्ट सिक्योरिटी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इस तरह से ठीक हो जी। तो ये हमारा हो गया रेडी कुछ इस तरह से। और इसको मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको ईद फिर मुबारक हो। मेरी पिछली ईद पर भी इस तरह वीडियो थी, इस ईद पर वीडियो अल्लाह पाक मुझे पूरा यकीन है कामयाब करेगा, कामयाबी उस अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने बंदे के बंदों के अपनी मखलूक के हाथ में कोशिश दी है, कोशिश हमको करनी चाहिए। जो भी आदमी कोशिश करता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कहीं ना कहीं आपने हाथ पाँव पैर मारने, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और दुरूद शरीफ आपने कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो इसी दुरूद शरीफ में, और दुरूद शरीफ आपने कभी नहीं छोड़ना। इसी से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।